एवरीवन. अभी तक हमने फोरियर सीरीज़ में उसका बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, फिर उसमें इवन और ऑड फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, चेंज ऑफ इंटरवल, इन सब के लिए कैसे फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं साइन और कोसाइंस में फोरियर सीरीज़ की हेल्प से. ये सब हमने डिफरेंट थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज़ में हाफ रेंज सीरीज़. जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, हाफ रेंज का मतलब क्या हुआ? सपोज़ मैंने एक फंक्शन दिया है, अभी तक हमने क्या किया है, उसको एक्सपेंड किया है, ये पीरियोडिक होना चाहिए, है ना? पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है. इसको हमने एक्सपेंड किया या तो 2π इंटरवल में या 2L इंटरवल में. 2π में आपके पास हो जाते थे -π से पाई, या फिर 0 से 2π, या फिर C to C+2π. इसी तरह 2L में हो जाता था -L से +L, या फिर 0 से 2L, या फिर C से C+2L. तो ये सारे अभी ये चेंज ऑफ इंटरवल में पढ़ा था हमने, ये नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. अभी तक हमने पीरियोडिक फंक्शन 2π यानी फुल रेंज पे अप्लाई किया था. व्हाट डज दैट मीन? हमें ये तो पता है कि f(x) पीरियोडिक है किस पीरियड के लिए, 2π के लिए. बट अब क्या होता है, समटाइम्स वी कम अक्रॉस सिचुएशन जहाँ पे फंक्शन सिर्फ डिफाइन ही हाफ रेंज में है, सपोज 0 से π में या फिर 0 से L में. फाइन, तो अब क्या हुआ, हमें पता है कि इसका पीरियड तो 2π है, बट फंक्शन जो डिफाइंड है यानी फंक्शन की जो वैल्यू है वो सिर्फ हाफ रेंज में गिवन है. आई गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि फंक्शन की वैल्यू अभी तक हम करते आए हैं, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल किया था कि f(x) को एक्सपेंड किया था, x sin x था इसकी वैल्यू, और हमने साफ साफ दिया हुआ था कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2π. अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पीरियोडिक तो है ही है, साथ ही साथ पूरे पीरियड में 2π में उसकी वैल्यू x sin x डिफाइंड है, हमें पता है, ठीक है. बट अब क्या हुआ, सपोज वी कम अक्रॉस सम क्वेश्चन, सपोज और यहाँ पे दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 2π. इसका मतलब क्या हुआ, इसका पीरियड तो अभी भी 2π है, इसका पीरियड अभी भी 2π है, बट बाकी के पीरियड में इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, ठीक है. तो इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए, बाहर आने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं फिर से लिख के दिखाती हूँ. सपोज कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है सिर्फ 0 से π में, फॉर एन एग्जाम्पल, ये 0 to L भी हो सकता है, जो सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी 0 to L में भी, ठीक है. सपोज़ कोई फंक्शन है वो डिफाइंड ही, इट हैज़ पीरियड, टू पाई, बट इट हैज़ बीन डिफाइंड, यानी उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो सिर्फ 0 से π में है. फाइन, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू? एक सिंपल सा चीज़ हम करेंगे, सपोज ये रहा 0, ये रहा π. सपोज करो एक फंक्शन, मैंने एग्जांपल ले लिया ट्रायंगुलर वेव का, ठीक है. सपोज करो एक फंक्शन 0 से π में ये वैल्यू ले रहा है, ये वैल्यू हमें पता है कि वो ये वैल्यू ले रहा है. तो व्हाट डू वी डू टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कि उसका पीरियड तो 2π है बट वो वैल्यू सिर्फ हमें जो पता है वो 0 से π में है. तो हम क्या करते हैं, उसको एक बार रिज्यूम कर लेते हैं कि बाकी के -π to 0 में वो सेम वैल्यू ले रहा है, एग्जैक्टली सिमेट्रिक ओवरलैपिंग मिरर इमेज ले लेते हैं.
इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, इवन आउट फंक्शन का मिरर इमेज हमने उसी में यूज़ किया था। इसको मैं ओवर फोल्ड करूँगी अगर वाई एक्सिस के अलोंग, ये एक्स है, वाई के अलोंग अगर फोल्ड करूँगी तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये मेरे को नोन था और ये मैंने एज्यूम कर लिया। तो व्हाट आई एज्यूम कि बाकी के इंटरवल में वो सेम वैल्यू ले रहा है। तो मैंने उसको क्या एज्यूम करा, एक तरीके से मैंने एज्यूम करा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, सो एफ एक्स इज एज्यूम टू बी एन इवन फंक्शन। तो एक्चुअली वो है या नहीं हमें नहीं पता, और हो सकता है ना भी देखने में ना हो, बट हमने एज्यूम कर लिया कि वो जो वैल्यू ले रहा था जीरो से पाई में, वही वैल्यू वो माइनस पाई से जीरो में ले रहा है। तो क्या हो गया, वो इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन में क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, व्हाट हैपेंस इन इवन फंक्शन, बोलो, बी एन जीरो हो जाता है, तो एफ ऑफ एक्स कितना रह जाता है, ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, और अगर जीरो टू एल होता है तो एन पाई एक्स बाय एल। वो ये आप सेम ट्रांसफॉर्मेशन याद रखेंगे हर फंक्शन। तो ए नॉट की वैल्यू क्या होती है इवन में, वैसे तो वन अपॉन पाए होती है, बट इवन में क्या हो जाता है, टू अपॉन पाए, जीरो से पाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड ए एन विल बी टू अपॉन पाए जीरो से पाए एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर जीरो टू एल होता तो कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। इज इट क्लियर। तो ये हमने कंसेप्ट लगाया इवन फंक्शन का। एक्चुअली अगेन आई एम रिपीटिंग, वो इवन है कि नहीं, वो आपको हो सकता है कि फंक्शन सिर्फ एक्स हो तो देखने में तो इवन नहीं है, बट हमने एज्यूम कर लिया कि जो वैल्यू वो ले रहा है जीरो से पाई में, वही वैल्यू हो माइनस पाई। तो मैंने क्या किया, ये पीरियड टोटल कितना बना, टोटल पीरियड कितना हुआ, टू पाई। तो मैंने अब उसको अपने आप ही टू पाई में कन्वर्ट कर दिया, आई रिड्यूस इट टू पीरियड ऑफ टू पाई सो डैट आई कैन अप्लाई फोरियर सीरीज। तो देखने में एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है, ठीक है, बट जो इवन फंक्शन का है वही सेम फॉर्मूला है, बट इवन फंक्शन का कंसेप्ट हम डायरेक्टली भी लगा सकते थे अगर वो फुल रेंज में डिफाइन होता है, माइनस पाई टू पाई में अगर डिफाइन होता है और फंक्शन इवन है तो हम लगा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या डिफरेंस याद रखना है कि हाफ रेंज में डिफाइन था इसलिए हमें लगाना पड़ा। फंक्शन माई नॉट बी इवन, देखने में वो इवन हो सकता है ना हो, बट हमने कंसेप्ट लगाया, हमने ये एज्यूम करा कि जो वैल्यू वो जीरो से पाई में ले रहा है वही वैल्यू वो माइनस पाई से जीरो में ले रहा है, फाइन। तो ये फॉर्मूला निकल के आया। तो अब ऑब्वियसली जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो व्हाट डू यू गेट, सिर्फ कोसाइन की टर्म्स आएंगी, तो इसे हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सो दिस फॉर्मूला, इसको नाम दे देते हैं वन, इज नोन एज हाफ रेंज कोसाइन, वेट, सीरीज। So this is known as half range cosine series. Fine, क्योंकि सिर्फ cosine की टर्म्स आ रही है। इवन में सेम चीज होती है बट उसको हम हाफ रेंज cosine series नहीं बोलते, ये मैं आपको बता दूँ
क्योंकि उसमें फुल रेंज डिफाइंड थी और उसी फुल रेंज में इवन फंक्शन आपने खुद से उसको डिपिक किया था, ठीक है, तब आपने उस फॉर्मूले को रिड्यूस किया था, बट यहाँ पे आपने इवन में रिड्यूस उसको एज्यूम कर लिया कि इवन होगा, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, क्योंकि हाफ रेंज में डिफाइन था फंक्शन। दूसरा तरीका ये है, जैसे आपने यहाँ पे यही सेम फंक्शन रहेगा एफ एफ एक्स जो डिफाइंड है 0 से पाई में, इसी तरह से 0 to L भी हो सकता है, बट उसका पीरियड वही है 2 पाई। तो हम क्या करते हैं, इस बार हमने क्या किया, यही एग्जांपल लिया, सपोज करो ये वैल्यू थी इसकी 0 से पाई में, इस बार हमने क्या एज्यूम करा कि -π/0 में वो सेम वैल्यू ले रहा है विद नेगेटिव साइन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये हमें गिवन था या नोन था, ये हमने एज्यूम कर ली वैल्यू, वी एज्यूम्ड, ठीक है, तो इस बार हमने क्या एज्यूम किया कि वो ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज एज्यूम्ड टू बी एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले तो ऑड फंक्शन में क्या होगा, देयरफॉर ए नॉट इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू 0, तो ये कितना रह गया, एन इक्वल्स टू 1 to ∞ बी एन कॉस, सॉरी साइन एन एक्स साइन एन एक्स, और अगर ये 0 to L होता तो ये हो जाता साइन एन पाई एक्स बाय एल, फाइन। तो अब क्या आ जाएगा, वेयर बी एन इक्वल्स टू 2 upon π 0 to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है, इसको नाम दे दो टू, टू इज नोन एज हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक, दिस टू इज नोन एज हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, अगर हमें कोसाइन की टर्म्स में एक्सपेंशन निकालना है अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, या फिर हमें बोला गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोसाइन की टर्म्स में निकालना है, तो इसका मतलब हमने फंक्शन अगर हाफ रेंज में डिफाइन है तो हमने उसे अज्यूम किया है कि वो इवन होगा, और तब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक, और अगर हमें साइन की टर्म्स में एक्सपेंशन चाहिए तो इसका मतलब हमने एज्यूम किया है कि वो ऑड होगा बाकी की हाफ रेंज में, और ये पूरी रेंज कितनी हुई 2π ना, तो हमने एज्यूम किया है कि बाकी की हाफ रेंज में वो सेम वैल्यू लेगा माइनस साइन के साथ, और फिर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो बेसिकली आपको ये सब करके नहीं दिखाना, अगर आपको साइन सीरीज चाहिए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको कोसाइन सीरीज चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, साइन सीरीज चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाओगे, फाइन।
फाइन। और ये कैसे आए हैं ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिए कि हमने हाफ रेंज में फंक्शन को क्या एज्यूम किया, हाफ में वो डिफाइन था और हाफ में हमने एज्यूम करा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी के एग्जांपल आप इजीली खुद कर लोगे। लेट अस टेक एनी एग्जांपल। आपको कैसे पता चलेगा कि साइन सीरीज लगाना है कोसाइन सीरीज? इधर इट हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन, यहाँ तो आपको बोला जाएगा एक्सपैंड इन कोसाइन टर्म्स या कोसाइन एक्सपैंड एज कोसाइन सीरीज, या फिर आपको बोला जाएगा या फिर आपको कोई एक्सपेंशन दे दिया जाएगा जो कोसाइन की टर्म्स में होगा, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि उस पर कोसाइन सीरीज लगेगा। अगर साइन की टर्म्स में होगा तो साइन सीरीज लगेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक्सपैंड पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन हाफ रेंज, इसमें बताया गया है साइन सीरीज इन द इंटरवल जीरो कॉमा पाई अप टू फर्स्ट थ्री टर्म्स। फाइन, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, हमें एक्सपेंड करना है, बोला गया कि साइन सीरीज में करना है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला साइन सीरीज का? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन, अगर ये जीरो टू एल होता तो एन पाई एक्स बाई एल, तो साइन एन एक्स। ठीक है, तो उसके लिए बी एन निकालेंगे। वट इज़ द फॉर्मूला फॉर बी एन? टू अपॉन पाए इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाए। फंक्शन क्या है? चलो पहले लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब फंक्शन लिख देंगे टू अपॉन पाए इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाए। फंक्शन क्या है? पाए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। इस पर चेन रूल लग जाएगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे इस पूरे को और इसको सेकेंड। ठीक है, आप ऐसे लिख के मत दिखाना, आप पेंसिल से लिख लेना यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड। जीरो टू पाए, अब चलो चेन रूल लगा लेते हैं। ठीक, दोबारा से इंटीग्रल वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, चेन रूल लगा लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। क्या होता है चेन रूल में? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, तो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन कॉन्स्टेंट। ये प्लस है नेक्स्ट टर्म माइनस की, फिर इसका डेरिवेटिव एक को डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो पाई माइनस टू एक्स आ जाएगा, और इंटीग्रल का इंटीग्रल माइनस कॉस का माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, और एक एन पहले ही था तो एन स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर नेक्स्ट टर्म प्लस की डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव माइनस टू, इंटीग्रल का इंटीग्रल माइनस साइन का माइनस कॉस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, लिमिट्स जीरो से पाई। अब हम पहले की तरह यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई कर लेंगे लिमिट कहाँ डलेगी। कैसे करते थे हम? पहले अपर लिमिट देख लेते हैं कहाँ कहाँ डालेंगे, जहाँ जहाँ हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, जहाँ हमें पता है कि ज़ीरो वैल्यू मिलेगी वहाँ हम डालेंगे ही नहीं। तो डालो इधर, अगर मैं इधर डालती हूँ पाई कॉस एन पाई तो नॉन ज़ीरो होता है, बट इधर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हम नहीं डालेंगे। कॉस देखते ही हमें लगता है कि हम डालेंगे, बट नहीं, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा जब इधर डालेंगे? पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन एन पाई ज़ीरो होता है तो यहाँ फिर से नहीं डालेंगे। ठीक, यहाँ पे कॉस एन पाई तो यहाँ डालेंगे, ये हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। अब ज़ीरो पे आ जाओ, कॉस ज़ीरो वन होता है, बट ज़ीरो से इधर जब ज़ीरो डालेंगे एक्स की जगह तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये लोअर लिमिट नहीं डालेंगे। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, नहीं डालेंगे। कॉस ज़ीरो वन होता है डालेंगे।
तो अगर देखा जाए तो हमें 6 टर्म्स लिखनी पड़ती है, बट अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिर्फ ये वाली टर्म अपर और लोअर लिमिट पे हमें नॉन जीरो वैल्यू दे रही है, तो हम सिर्फ यहीं पे डालेंगे अपनी लिमिट्स। ठीक है, हमने यहाँ पे राइट डाला है। राइट का मतलब ही यही है कि अपर लिमिट भी यहीं डलेगी, लोअर भी यही। बाहर क्या है, 2/π, वो एज इट इज़ लिख दिया। अंदर क्या आ जाएगा, -2 अपर लिमिट डालने पे cos(nπ/n³) माइनस लोअर लिमिट का, और एक माइनस ये, तो ये हो जाएगा +2cos0/n³। वैल्यू 2 कॉमन ले लेते हैं, एन क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4n³π, और अंदर क्या आ जाएगा cos0 1, और ये माइनस साइन के साथ। cos(nπ) कितना होता है सबको याद रहना चाहिए, -1 to the power n। ठीक है, अब यहीं पे इसके बाद ही अगर आप चाहो तो यहीं पे bn को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में। उसका एडवांटेज ये है कि जब आप टर्म्स लिखोगे, आपको टर्म्स लिखने को बोला गया है कि फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, तो वो इजीली लिख पाओगे। तो अगर n ऑड होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1+1 2, 2 × 4 8, 8/n³π when n is ऑड। और अगर ये इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 व्हेन n इज इवन। ठीक है, अब हम फंक्शन लिख देते हैं। फंक्शन क्या था, समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn साइन nx। ठीक है, तो अब वैल्यू डाल दो। पहले n इक्वल्स टू 1 डालेंगे, 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1³ 1 बाय पाई साइन 1x। 2 डालेंगे तो 0 आएगा, हमें फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब होता है फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म। 2 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, b2 यानी b2 व्हेन n इज इवन दिस इज 0। फिर 3 डालेंगे तो 8/3³ 5 (sin³x). फिर 4 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 5 डालेंगे तो 8/5³ (sin⁵x) प्लस सोन। एक लास्ट स्टेप और लिख देते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल्स टू 8/π, आप कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या आ जाएगा, sin⁵x प्लस sin³x/3³ प्लस sin⁵x/5³ प्लस सो ऑन। दिस इज आवर आंसर। आप चाहो तो 3³ क्या आता है, 3 × 3 9 × 3 27, वो भी लिख सकते हो, 125 लिख सकते हो, या ऐसे ही लिखे रहने दे सकते हो। नाउ देयर इज अ टास्क फॉर यू, ये आप लोगों को करना है खुद से। इफ f(x) इक्वल्स टू 5/3 when x is greater than equal to 0 less than equal to 5/3 equals to 0 when x is greater than equal to 5/3 less than equal to 2π/3 and equals to -π/3 when x is greater than equal to 2π/3 less than equal to π। ठीक है,
क्या है आगे क्वेश्चन में, देन शो डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/√3 कॉस एक्स कॉस 5x अपॉन 5 प्लस कॉस 7x अपॉन 7 सो ठीक। हिंट मैं दे रही हूँ, ये डिसकंटिन्यूअस तो है बट क्या हो रहा है, 0 से पाई में डिफाइंड है, तो बाकी का आपको एज्यूम करना है। तो आपको वो करके नहीं दिखाना है जैसे मैंने स्ट्रेट अवे स्टार्ट किया है। इधर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपको बोला गया था साइन सीरीज चाहिए, यहाँ पे बोला नहीं गया बट आपको एक सीरीज दी गई है। ये सीरीज किसके टर्म्स की टर्म्स में है, ये सीरीज कॉस की टर्म्स में। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आपको ये हाफ रेंज है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज का फॉर्मूला लगाना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any doubt, please ask me in comment section and do like the video.